रुआ देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। पिछले 3-4 दिनों से चल रहे घटनाक्रम ने बिहार में राजनीतिक हलचल को अचानक और बढ़ा दिया है। पहले वर्तमान बिहार सरकार में हालात पर बीजेपी नेताओं की टिप्पणी, उसके बाद 2020 के नेतृत्व को लेकर दोतरफा बयानबाजी ने एनडीए खेमे में कुछ ज्यादा ही हलचल बढ़ा दिया है। इस स्थिति से निपटने और बिहार का रास्ता निकालने के लिए आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं को बिहार भेजा गया। कई गुप्त बैठकें हुई और उसके बाद माहौल एक तरफ शांत हुआ तो दूसरी तरफ काफ़ी गड़बड़ाने की खबरें चर्चा में हैं। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह, जो अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं, काफ़ी नाराज हो गए हैं। अचानक गिरिराज सिंह ने सक्रिय राजनीति से बाहर आने यानी कि रिटायरमेंट लेने का संकेत दे दिया है। उनके इस बयान से बीजेपी के अंदर तथा उनके समर्थक भी हतप्रभ हो गए हैं। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह कल मंगलवार को मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुजफ्फरपुर गए हुए थे। वहाँ उन्होंने कहा कि उनकी राजनीतिक पाली अब खत्म होने वाली है। उन्होंने कहा, मेरा आधा काम पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरा कर दिया है। मैं मंत्री और विधायक बनने के मकसद से राजनीति में नहीं आया था। आगे गिरिराज सिंह ने कहा कि मेरी राजनीति का मकसद था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा हो। आज उस कश्मीर पर भारतीय तिरंगा बड़ी शान से आकाश में फहरा रहा है। गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर मेरी जो चिंताएँ रही हैं, आप सबसे साझा करता रहा हूँ। मेरी इस चिंता पर भी पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले से घोषणा कर दी है। मोदी जी के द्वारा ये जो किया गया, उसके बाद मेरे राजनीतिक जीवन की यह आखिरी पाली है। गिरिराज सिंह ने मुजफ्फरपुर में प्रेस को संबोधित करते हुए बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बचे खुचे जो काम रह गए हैं, वो 5 वर्षों में पूरे हो जाएंगे। गिरिराज ने कहा कि जब कार्यकर्ताओं की उम्मीदें पूरी होने लगती हैं, तो इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि जब सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं, तो इसके बाद राजनीति करने का मेरा क्या उद्देश्य होगा। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह ने 2019 की लोकसभा चुनाव में जीतकर सांसद पहुंचे हैं। उन्हें बेगूसराय शिफ्ट किया गया था, वहां भी उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट लाकर अपना सिक्का स्थापित किया है। आज केंद्र में एनडीए सरकार के पशुपालन राज्य मंत्री हैं। इससे पहले वह बिहार में भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। गिरिराज सिंह की पहचान कट्टर हिंदू नेता के तौर पर होती है और वह विरोधियों पर निशाना साधने के लिए जाने जाते हैं। सक्रिय राजनीति से रिटायरमेंट के संकेत देने वाले गिरिराज सिंह के इस बयान से तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि गिरिराज सिंह को जिस तरह से नीतीश के सामने बीजेपी कि वो बौना होना पड़ रहा है, उससे वो काफ़ी आहत हैं। उनका कहना है या फिर इस बात को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में बीजेपी को सबसे बड़ी और अपने दम पर चलने वाली पार्टी बनाने के मकसद में और उस योजना के गिरिराज सिंह सिंबल हैं। इसके साथ जानकारों का मानना है कि गिरिराज जो कह रहे हैं, वो भले उनके मुँह से निकल रहा, पर बिहार भाजपा के अधिकांश नेताओं की ये भाषा और मंशा है। सूत्र बता रहे हैं कि गिरिराज बिहार में भाजपा को पूर्ण रूप से सत्ता में लाने की इच्छा रखने वाले के आदर्श हैं। गिरिराज का इस तरह से अचानक बयान देना ये साबित करता है कि नीतीश सुशील की जोड़ी को एक बार फिर से प्राथमिकता के साथ कामयाबी मिल गई है। नीतीश और सुशील के बयान में विश्वास की मजबूती साफ बता रही है कि आरएसएस बीजेपी नेताओं के साथ नीतीश की गुप्त बैठक ने बिहार से एक बार फिर बीजेपी को पिछलगु बनने के लिए मजबूर कर दिया है। बिहार में नीतीश को फुल अधिकार दे दिया गया है और इसी बात को लेकर के गिरिराज सिंह और उनके समर्थकों में काफ़ी मायूसी है। हमने आपको खबर के माध्यम से दिखाया था कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं, खास करके उन हार्डकोर नेताओं और बयान वीरों को आरएसएस के शीर्षस्थ नेताओं के साथ सुशील मोदी के आवास पर बैठक कराई गई थी। इस गुप्त बैठक की जानकारी और सूचना बीजेपी के भी बहुत सारे नेताओं को नहीं थी। इस गुप्त बैठक में जो कुछ भी हुआ,
उसका दूसरा और जो सिंबल कहते हैं वो सिंबल कहीं ना कहीं तब सामने आया जब आरएसएस के वो शीर्षस्थ नेता जिन्होंने गुप्त बैठक की थी वो नीतीश कुमार के साथ सुशील मोदी को लेकर के गए और वहाँ भी एक गुप्त बैठक हुई और बैठक के बाद जो निकल करके सामने आया उसने साफ तौर पे इस बात का इशारा कर दिया कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी बिहार में सुशील मोदी और नीतीश कुमार के साथ ही आगे बढ़ेगी। इस नए स्थिति को लेकर के बिहार भाजपा के अनेकों नेताओं जो एक लंबे समय से बिहार में भाजपा को सबसे बड़ी पार्टी बनाने और अपने दम पर बिहार में सरकार बनाने की मंशा पाले हुए थे उन्हें झटका लगा है और गिरिराज सिंह के बयान को भी इसी का प्रकटीकरण माना जा रहा है। गिरिराज सिंह बिहार में भाजपा की सरकार देखना चाहते थे और खास करके इसके लिए उन्होंने लगातार प्रयास भी किया है और पार्टी को आगे भी बढ़ाया है। उनके साथ एक बड़ी लॉबी थी, उनके बयानों का समर्थन भी बहुत सारे नेताओं ने किया था, यहाँ तक कि उनके बयानों का समर्थन उनके विरोधी भी कर रहे थे। अब इस पर विराम लग गया है और यही कारण है कि गिरिराज सिंह ने संन्यास लेने की बात कही है। देखना होगा कि इसके बाद बिहार की राजनीति किस करवट बैठती है, खास करके भारतीय जनता पार्टी और जदयू के। जुड़े रहे न्यूज़ बिहार और भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।